देखिए नोटिफिकेशन है क्लैट 2018 का। सबसे पहले समझ लीजिए कि क्लैट है क्या। दिस इज कॉल्ड कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, यानी कि जो वकील बनते हैं, लॉयर बनते हैं, और लॉयर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अगर आप किसी देश में रहते हैं तो यू मस्ट नो योर लीगल राइट्स, योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड द रेमेडीज। और आपको जब तक अपने अधिकारों की नहीं पता तो आप उनको अर्जित नहीं कर सकते। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर राइट्स। तो ऐसा नहीं कि आप लॉयर बनकर ही सारी चीजें करें। डिफेंस के जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो सब लॉयर बनना चाहते हैं। जितने कर्नल वर्नल लेंगे आप देखिए कि आप एक एनालिसिस कहता है कि 70% ऑफ देम आर लॉयर्स। वो रिटायरमेंट के बाद लॉयर का प्रोफेशन चुनते हैं, राइट, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी अवेयर अबाउट योर राइट्स। तो अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहते हैं। लॉयर आपको क्या करता है, आपका अधिकार दिलाता है, आपका अधिकार दिलाता है। वो आप जो कानूनन चीज सही है वो आपको दिलाता है, वो खुद नहीं देता लेकिन वो आपको दिलाता है, बिकॉज उसको वो चीजें पता है जो राइट आपको मिलने चाहिए, आपको वो नहीं पता है। तो इसीलिए आप एक लॉयर हायर करते हैं, राइट। लॉयर अगर आपकी पेंशन सही नहीं आ रही है वो भी सही करा देता है, अगर आपके संग कुछ गलत हुआ है तो आपके पक्ष में निर्णय करा देता है। तो जो लीगल राइट इस देश में आपको मिले हुए हैं उनको प्रिजर्व करने का काम एक लॉयर का भी है, राइट। तो लॉयर्स ही हैं जो कि आप देख रहे हैं PIL के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें देश में कुप्रथाएं चल रही हैं, तो PIL के माध्यम से उन पर बार बार चोट कर रहे हैं और जजमेंट करा रहे हैं। ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक क्या है? ट्रिपल तलाक एक हरेसमेंट है वुमेन का मोमडन्स में, मुस्लिम लॉ में। और ऐसे ऐसे कानून अगर हमारा एनवायरमेंट ही हम नहीं रखेंगे तो हम फ्यूचर जनरेशन को क्या देखे जाएंगे। जितने भी लॉज सुप्रीम कोर्ट बना रहा है, कभी वो डीजल की गाड़ी बैन कर रहा है, कभी कुछ और एनवायरमेंटल एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉ बना रहा है, वो किसके लिए? जिससे कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ये सब देख सके। ये हमारे भले के लिए बहुत सारे जजमेंट्स आ रहे हैं और उनका काम कौन करता है? लॉयर। अब बच्चों लॉयर अच्छा बनने के लिए आपको लॉ भी अच्छे स्कूल से करनी पड़ेगी। तो करीब 18 नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं लॉ की, और क्लैट एक सिंगल एग्जाम है इनमें एडमिशन पाने का। दे आर कॉल्ड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। और इस बार का जो एग्जाम है, बारी बारी से जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो इसका एग्जाम कंडक्ट करती हैं, और इस बार इस एग्जाम को कंडक्ट करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है वो एक लॉ यूनिवर्सिटी है। तो कोची जो नेशनल यूनिवर्सिटी है उसको ये इस बार नेशनल जो क्लैट का एग्जाम है वो कंडक्ट कर रही है। तो बच्चों जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, यानी कि इसका नोटिफिकेशन जनवरी में, 1 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं ऑनलाइन। तो जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने 12th पास कर ली और उनका एम्बिशन है कि हमें एक अच्छा लॉयर बनना है, हमें भी लोगों के राइट्स दिलाने हैं, प्रिजर्व करने हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इस फॉर्म में कुछ नहीं आता, जो आप तैयारी कर रहे हैं वही सारी चीजें हैं, राइट। तो क्लैट जो 2018 है, मैं इसके बारे में कुछ बातें आपसे करूंगा। एक तो ये कंपटीशन जो है वो देखिए कितना है, 40,000 अप्रोक्सीमेटली बच्चे इसको टेस्ट को देते हैं, राइट। और 40,000 बच्चे टेस्ट को देते हैं और करीब 2400 सीट हैं जिन पे एडमिशन होता है, राइट, 2400। तो जिन बच्चों ने भी 12th पास कर लिए या जो 12th में हैं वो इन नेशनल यूनिवर्सिटीज का जो टेस्ट है उनके लिए एलिजिबल हैं और आप भर सकते हैं। इसकी कोई अपर लिमिट अभी फिक्स नहीं की है, लेकिन लोअर लिमिट तो आपने 12th पास कर ली, दैट इज सफिशियंट, राइट। तो इसमें जो टेस्ट होता है, देखिए वो किन सेक्शंस का होता है, मैं उसकी भी आपसे चर्चा कर लेता हूं। इसमें टेस्ट होता है देखिए 4 सेक्शंस का। एक तो इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी जो आप पढ़ते हुए आए हैं, मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कौन सा होता है? ये होता है नॉन टेक्निकल मैथ्स। इसमें परसेंटेज आता है, टाइम एंड वर्क आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। जो आप नॉन टेक्निकल मैथ्स पढ़ते हैं, एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ते हैं, उसके इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। 40 क्वेश्चंस इसमें इंग्लिश के होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो आप पढ़ते हैं, इसमें की वर्बल भी आ जाती है, नॉन वर्बल भी आ जाती है, क्रिटिकल रीजनिंग भी आ जाती है, उसके इसमें 40 क्वेश्चंस रहते हैं। जनरल अवेयरनेस के इसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं। और देखिए खास बात क्या है, ये 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के सब डायरेक्ट बेस्ड रहते हैं, करंट अफेयर्स से रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपको
करंट अफेयर्स का ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा आप यूपीएससी के सीडीएस और एनडीए एग्जाम वगैरह में जाते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मोस्ट ऑफ देम विल बी फ्रॉम द करंट अफेयर्स, और वो करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली कोई मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, या फिर हमारे एनडीसीए के भी जो मंथली हम आपको करंट अफेयर देते हैं उसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं। तीसरा सेक्शन जो दिक्कत वाला है, जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा होता, दैट इज कॉल्ड लीगल एप्टीट्यूड। मैं थोड़ी सी इसकी बात करूंगा, एंड बच्चों दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये आपके इंटरप्रिटेशन स्किल्स के बारे में बताएगा कि आप लॉ को इंटरप्रेट कर पाते हैं या नहीं। बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बनाने का अधिकार संसद को जरूर है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने का अधिकार कोर्ट्स को है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, वो सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स होते हैं उनके नीचे वाले जो कोर्ट होते हैं उनके लिए एक रेफरेंस का काम करते हैं, नजीर का काम करते हैं, यानी वो भी एक तरह के क्या होते हैं, लॉ होते हैं। हम कहते हैं कि इसी सिमिलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, लोअर कोर्ट के सामने वो जजमेंट का जो रेफरेंस है पेश करते हैं, तो सबॉर्डिनेट कोर्ट को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो लॉयर का काम होता है इंटरप्रिटेशन। तो आपको एक लीगल प्रिंसिपल दिया जाएगा और लीगल प्रिंसिपल पर एक फैक्चुअल सिचुएशन दी जाएगी और आपको वो इंटरप्रेट करना है। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिकल और लीगल दिमाग लगाना है। अगर आप दिमाग लगा पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो ध्यान रखना, इस सेक्शन की मैं अगर मैं बात करूं तो लीगल रीजनिंग होल्ड्स द की ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ नेशनल लॉ स्कूल्स। जो की है वो कौन, लॉजिकल और लीगल रीजनिंग ही इसकी की होल्ड करती है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर ड्यू टू वेरी नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट। अनलाइक द अदर सेक्शंस, इंग्लिश रीजनिंग, जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग इज प्रॉब्लम टेस्ट द लीगल सेंस। ये क्या टेस्ट करता है, ये आपके लीगल सेंस को टेस्ट करता है और एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है एंट्रेंट के को, यानी कि जो इसका कॉम्पिटिशन देता है। लीगल रीजनिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग लाइक अ लॉयर इन अ गिवन सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन दी गई है, आप उसमें लॉयर की तरह सोच पाते हैं या नहीं, या दूसरे शब्दों में आप उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं, आप उसमें थोड़ी सी लीगल रोजने, लॉ और कुछ नहीं है, लॉ इज जस्ट अ कॉमन सेंस, आप उस कॉमन सेंस को लीगली लगा पाते हैं। तर्क, रीजन, दैट इज द बेसिक ऑफ द लॉ। तो बच्चों, लीगल रीजनिंग इज यूनिक इंपॉर्टेंट एज, तो मैं कह सकता हूं एक इसमें प्रिंसिपल दिया जाता है, फैक्चुअल सिचुएशन दी जाती है और आपको इंटरप्रेट करना होता है। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं। प्रिंसिपल क्या है सेल्फ डिफेंस का? सेल्फ डिफेंस का प्रिंसिपल, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, आप सबको ही पता होना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा का क्या काम है। सेल्फ डिफेंस इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल एक्सेप्शन फॉर इंटेंशनली कॉजिंग हार्म। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है अपनी रक्षा करना, is considered as a universal exception for intentionally causing harm. लेकिन intentionally आप किसी को harm नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ा होता है, जितने भी laws हैं उसमें होता है intention। अगर आपके इरादे साफ हैं, इरादे नेक हैं, तब तो सही है। अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं तो सबसे पहले आपका इरादा ही तो गलत होता है। तो सबसे पहला होता है इंटेंशन। मान लिया मुझे इसको मारना है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में बात आएगी, मेरा इंटेंशन खराब होगा। अब अगर मेरा इरादा गलत है, मैंने कुछ किया नहीं, तो लॉ मुझे कोई पनिशमेंट तो नहीं दे सकता, मैंने कोई अपराध नहीं किया। दूसरी स्टेज क्या होती है, प्रिपरेशन। अब मुझे इसको मारना है, मैं इससे पिस्टल लेके आया यार, मुझे पिस्टल दे, मुझे मारना है, तैयारी पूरी हो गई। पहला इंटेंशन मेरा गलत है, प्रिपरेशन भी मैंने कर ली, लेकिन अब तक शूट नहीं किया इनको, मैंने गोली नहीं मारी, तो अब तक कोई अपराध नहीं हुआ। और तीसरा, अगर मैं अटेम्प्ट मार देता हूं, तब इसका मतलब अपराध घटित हो गया, इंटेंशनली मैंने इनको मारा। एंड फोर्थ इज accomplishment। तो बच्चों, इंटेंशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फैक्ट क्या है, थीव्स एंटर्ड इनटू द हाउस ऑफ शर्मा, मिस्टर शर्मा के घर में चोर घुस आए, आर्म्ड विद क्लबहाउस एंड आयरन रॉड वगैरह उनके हाथ में है, पूरे हथियारों से लैस आए हैं। शर्मा जी क्या करते हैं, जग जाते हैं। शर्मा वेक्स अप एंड लेज हिज हैंड ऑन द पिस्टल, और अपनी पिस्टल निकालते हैं और फायर करते हैं कुछ शॉट्स एयर में, हवाई फायर करते हैं। थीव्स इमीडिएटली स्कैटर एंड रन अवे, तो चोर तितर बितर हो जाते हैं और क्या करते हैं, भाग जाते हैं।
शर्मा इन अ रेज, लेकिन शर्मा जो उसमें आगे क्या करता है, उनका पीछा करता है और एक बंदा जो गंगू है उसकी टांग पर गोली मार देता है, राइट। हु सब्सिक्वेंटली फाइल्स अ सूट अगेंस्ट शर्मा, तो वो शर्मा के अगेंस्ट सूट फाइल करता है। कैन शर्मा क्लेम सेल्फ डिफेंस, क्या शर्मा सेल्फ डिफेंस क्लेम कर सकता है? चोर उसके घर में घुसे, उसने हवाई फायर किया, चोर भग रहे थे और उसने भगते हुए पीछे किया, गोली मार दी, क्या वो सेल्फ डिफेंस? तो बच्चों ध्यान रखना, शर्मा हैज इनिशियली सूट इन एयर टू स्केयर द थीव्स व्हिच इज परफेक्टली वैलिड। उसने पहले हवा में गोली चलाई उनको भगाने के लिए, जो कि वैलिड था, कोई दिक्कत नहीं अपने डिफेंस में चलाए। When the thieves were running away, लेकिन जब वो भाग रहे थे, he no longer had a threat of danger to his life or property. जब वो भाग ही रहे थे तो उसकी लाइफ को और प्रॉपर्टी को उनसे कोई खतरा नहीं था। तो इन दिस केस ही हैड नो वैलिड रीजन टू सूट एंड इंजोर गंगू, तो वो सेल्फ डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता। तो बच्चों देखिए, एक लास्ट और मैं लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन लूंगा। A person is guilty of culpable homicide amounting to murder if the act by which the death is caused is done within an intention of causing death. एक आदमी, ये सीधा सीधी सी लैंग्वेज है आईपीसी की, culpable homicide। culpable homicide के लिए, मर्डर के लिए कोई बंदा कब रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा? जब उसने इंटेंशनली हत्या की है, हत्या करने के उद्देश्य से हत्या की है। अब देखिए फैक्ट क्या कहता है, इस प्रिंसिपल का आपको जो क्रक्स है, तो आप इस प्रिंसिपल के इंसेस एंड आउट्स पढ़ें, वो क्या है, मेन इंटेंशन। इसका जो मेन पॉइंट क्या है, इंटेंशन। तो बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिटिकल रीजनिंग टू, के कैसे आप वहां निकालते हैं ना, मेन आइडिया सेंटेंस का निकालते हैं, फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, टून ऑफ पेजेस निकालते हैं, ये जो दोनों लाइन है ना, इन दोनों में गिल्टी कब होगी, जब उसका इंटेंशन हो। तो इंटेंशन इज द मेन क्रक्स ऑफ द सेंटेंस, राइट। अब देखें इस फैक्ट में है या नहीं। अनिल और प्रकाश लुक्का छुपी खेल रहे हैं, यानी कि हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं। अनिल छुपा हुआ है एक झाड़ी के पीछे, अमर हु इज इन प्रॉल टू हंट फॉर रैबिट्स, अमन जो कि वो खरगोशों का शिकार करता है, उसको लगता है कि भाई झाड़ी के नीचे कुछ हलचल हुई है, तो वो समझता है assuming a rabbit was hiding there, वो समझता है कि एक खरगोश वहां छुपा हुआ है, fires and kills अनिल। तो अनिल तो लुक्का छुपी खेल रहा है प्रकाश के साथ, वो झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, एक दूसरा बंदा जो खरगोश को मारने के लिए उसने गोली चलाई। अमर does not know that अनिल was hiding behind the bush, लेकिन अमर को ये नहीं पता कि भाई वो उसके पीछे कोई आदमी है। पुलिस प्रोसिक्यूट अमर फॉर मर्डर, तो क्या पुलिस अमर को मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट कर सकती है? अमर वुड नॉट बी लायबल फॉर मर्डर एज ही डिड नॉट हैव द इंटेंशन टू किल अनिल, उसका कोई भी इंटेंशन उसको मारने का नहीं है, इरादा उसको मारने का नहीं है। तो बच्चों कोई भी क्राइम कब कंप्लीट होता है, सबसे पहले हमारा इंटेंशन यानी इरादा, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट और चौथा एकम्प्लिसमेंट्स। तो ये सारी चीजें हो जाए तब जाके क्राइम होता है। Getting my point or not? तो ये प्रिंसिपल पूछे जाते हैं, कुछ लीगल मैक्सिम्स पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको बताना होता है, जैसे कि मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब बैड इंटेंशन, सबसे पहले इंटेंशन ही काउंट होता है, तो मेंस रिया का अर्थ क्या है? तो कुछ लैटिन रूट्स हो सकते हैं, उनका लीगल मैक्सिम्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो इसके मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के जो लॉ पेपर है उनसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसका जो पेपर है, इसके लिए जो सेक्शंस हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो देखिए कौन कौन से सेक्शन हैं जिनको मैं दोबारा से एक बार आपको रिपीट करके बता देता हूं। एक तो लीगल रीजनिंग, दूसरा इसकी जनरल नॉलेज, तीसरा इंग्लिश, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, यानी कि जो बुकलेट्स मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, मैंने आपको इंग्लिश की बुक प्रोवाइड की है, इसमें सारा कुछ मटेरियल इसका मिल जाएगा। मैंने आपको रीजनिंग की बुक प्रोवाइड की है, मैंने आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक प्रोवाइड की है, मैंने आपको जनरल स्टडीज की बुकलेट प्रोवाइड की है, मैंने आपको लीगल एप्टीट्यूड की बुक प्रोवाइड की है, लीगल अवेयरनेस की। इन सबसे आप इसको कवर कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल्सो अ लीगल अपॉर्चुनिटी जिसको कि आप अपना सकते हैं, यू कैन बिकम द इफेक्टिव लॉयर, राइट। ओके।
गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू अबाउट द क्लेट ऑनलाइन क्लासेस दैट वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली. एक्चुअली द फी फॉर द कोर्स इज 999,999. बेसिकली अगर आप कैट का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी इंस्टीट्यूट्स कराते हैं उनकी अगर आप फीस देखें तो कोई 44,999 की दे रहा है, कोई आपको 35,000 का दे रहा है, कोई 50,000 का दे रहा है. बच्चों, दिस इज द चीपेस्ट पैकेज दैट आई विल गिव यू इन 9,999 ओनली. और ये उनके कंपैरिजन में बहुत नहीं, बहुत ही अच्छा पैकेज है. मैं इस पैकेज के अंतर्गत क्या क्या आपको प्रोवाइड करूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहली चीज, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स. बच्चों, ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जिसमें कि आपके लीगल एप्टीट्यूड से लेके रीजनिंग, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, जितने भी सेक्शंस आते हैं उन सबके आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. ये वीडियो लेक्चर्स ऐसा एक साथ इकट्ठा भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इनको हम अपडेट भी करते रहते हैं. तो जब तक आपका मई में पेपर आएगा तब तक हम और आपके फोल्डर्स में वीडियो डालते रहेंगे. और जिन फोल्डर्स में हमारे ये वीडियो हैं आपकी ईमेल आईडी पर हम उनकी एक्सेस दे देते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये वीडियोस हैं, इन सब की हम एक्सेस आपको देंगे. ये इंग्लिश के वीडियोस हैं, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के वीडियोस हैं, लीगल एप्टीट्यूड के वीडियोस हैं, रीजनिंग के वीडियोस हैं, जनरल स्टडीज के वीडियोस हैं, इवन करंट अफेयर्स को, बिकॉज पूरा महीना हो सकता है कि बोर्ड पेपर्स की वजह से आप न पढ़ पाएं, तो करंट अफेयर्स को भी हम आपको दो पेजेस में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के देंगे. बिकॉज क्लैट का आपने अगर पेपर देखा होगा तो क्लैट में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो सिंपली डायरेक्ट बेस्ड आते हैं, कोई उसमें इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं होती है. तो ऑनलाइन सारी वीडियो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में हम कुछ लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करेंगे. तो गूगल ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है गूगल क्लासरूम के नाम से. यानी कि अगर आप जैसे गूगल सिंपल टाइप करेंगे और इसके राइट सेक्शन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये मैं जैसे जाता हूँ, आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए, मोर पे क्लिक करूंगा तो देयर इज अ गूगल क्लासरूम, राइट. आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक गूगल का क्लासरूम प्रोग्राम खुल जाएगा जो हमने क्लैट 2018 के लिए स्टार्ट किया है ये. तो उसमें सारे बच्चे जो भी हैं लाइव आ जाएंगे और आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को. और मैं इसमें लाइव सेशंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा क्लैट 2018 के कोर्स के लिए. तो इस फोल्डर्स में जो भी एसेस होगी आपकी शेयरिंग की प्रॉब्लम्स वगैरह हम इसमें गूगल क्लासरूम के थ्रू डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम इट, इस कोर्स की देखिए क्या खासियत है. स्टडी मटेरियल, अभी आप कहीं भी कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करेंगे तो वो आपको ई कॉपी ऑफ मटेरियल देंगे. तो ई कॉपी को पढ़ना थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता बिकॉज आप कंप्यूटर पर रेगुलर इतने घंटे नहीं बने रह सकते. तो इसके लिए हम आपको स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी आपके घर पर एड्रेस पर भिजवाएंगे, राइट. एंड सेकेंड पार्ट इज द स्टडी मटेरियल. तो आपको जो भी इंस्टीट्यूट ये प्रोवाइड करते हैं दे नेवर प्रोवाइड द हार्ड कॉपी ऑफ द मटेरियल. आपको जो स्टडी मटेरियल की बुकलेट्स होंगी इसमें वी विल प्रोवाइड द हार्ड कॉपी ऑफ द स्टडी मटेरियल. तो जो भी आप हमें एड्रेस प्रोवाइड करेंगे हम उस एड्रेस पर इन पूरी बुक्स को आपको डिलीवर करेंगे. इन हार्ड कॉपीज में सारी बुक्स होंगी जिनमें क्लियरली क्लैट से रिलेटेड सारी चीजें एक्सप्लेन्ड हैं. लाइक इंग्लिश की इसमें बुक रहेगी, इंग्लिश सेक्शन में ग्रामर, ये बुक जो है वो ग्रामर को भी इंक्लूड करेगी. एंड अपार्ट फ्रॉम द ग्रामर इट विल आल्सो कवर द वोकैबुलरी सेक्शन, वर्बल एबिलिटी, फास्टेस्ट फास्ट ट्रैक टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर, यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको ये बुकलेट कवर करेगी. इसके अलावा हम आपको एक रीजनिंग की बुकलेट प्रोवाइड करेंगे जो वर्बल, नॉन वर्बल और क्रिटिकल रीजनिंग के साथ साथ फास्ट ट्रैक टेस्ट होंगे. ये फुली सॉल्व बुकलेट्स हैं जो कि हम आपको भेजेंगे. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी रिलेटेड भी हम आपको बुकलेट भेजेंगे. क्लैट के जो लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं उसकी रिलेटेड बुक भी भेजेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉज, लीगल मैक्सिम्स और प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस भी होंगे. तो ये जो हार्ड कॉपी है मटेरियल वो भी हम आपको भेजेंगे. तो इसमें हमारे बेसिक बुकलेट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, एडवांस बुकलेट प्रोवाइड की जाएंगी, फास्ट ट्रैक जो टेस्ट हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे. तो जो सक्सेस का आइडिया है वो इस तरीके का है. फर्स्ट स्टेप पर जो स्टडी पैकेज है वो आपका 40% कवर करेगा. सेकेंड पर स्टेप पर आपका 60% जो एडवांस्ड
बुकलेट्स में कवर करेंगी, देन वी विल गिव यू द सम प्रिंटेड टेस्ट जो कि 80% कवर करेंगे, और ऑनलाइन टेस्ट आजकल ये प्रिंटेड टेस्ट को हमने मर्ज कर दिया है ऑनलाइन टेस्ट में, बिकॉज क्लैट का जो नेचर है वो ऑनलाइन है, तो 100% आपका कवर करता है जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लेते हैं। तो दिस इज अवर सक्सेस आइडिया। तो ये आइडिया है कि किस प्रकार से आपको इस क्लेट 2018 में सफलता मिल सकती है। बच्चों, इस पैकेज की जो खास बात है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के ये हैं इस पैकेज में, कि वी विल आल्सो गिव यू द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विद द पैकेज, फ्री कंटेंट, करंट अफेयर बैकअप एवरी मंथ, फ्री डाउट क्लासेस सेशंस ऑन गूगल क्लासरूम दैट आई एक्सप्लेन अर्लियर। तो पिछली, अगर मैं इसकी कॉस्ट देखूं जो एक्चुअल इसकी कॉस्ट होती है, तो अगर मैं इसकी एक्चुअल कॉस्ट का कैलकुलेशन करता हूं, तो देखिए बच्चों, इस कोर्स की फीस हुआ करती थी 42,300 रुपीज, जिसको मैं आपको केवल ऑफर प्राइस में, ये 2018 के बच्चों के लिए है, जो मैं आपको दे रहा हूं 9,999 में। यहां पर भी मैं आई एम नॉट ओनली गिविंग यू द रिकॉर्डेड वीडियोज, केवल रिकॉर्डेड वीडियोज नहीं दे रहा हूं, बट दीज वीडियोज आर अपडेटेड एवरी वीक, जो यहां क्लास चलती है क्लेट की, जो भी लेक्चर्स होते हैं उनको भी हर वीक में अपडेट किया जाता है। ऑनलाइन लेक्चर्स की पहले फीस होती थी 27,700, स्टडी मटेरियल की होती थी 7,500, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की 5,600 एंड 2,000 ये डाउट सेशंस वगैरह की क्लासेस जो हम लेते थे, और करंट अफेयर्स बैकअप की होती थी। यानी 42,300 का मटेरियल मैं आपको केवल इस ऑफर प्राइस में, आई एम ओनली गिविंग यू ऑफ 9,999, तो दिस इज द ऑफर प्राइस फॉर क्लेट 2018 स्टूडेंट्स। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करिएगा, बिकॉज इससे बाहर कहीं कुछ जाना नहीं। और क्लेट के, मैंने कहा, लीगल ऑप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कुछ रिपीट भी होते हैं, तो सारा स्टडी मटेरियल भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बच्चों, स्टडी मटेरियल के साथ साथ फ्री करंट अफेयर्स बैकअप भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब लास्ट बात आती है कि इसको कैसे लें, तो मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपको इस अकाउंट में पैसा जमा करना पड़ेगा 18380215550516, या ये फीस मुझे आप पेटीएम नंबर पर भी मेरे दे सकते हैं 8899350692। ये पेटीएम नंबर है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो जो भी आपको क्वेरी है वो आप व्हाट्सएप पे हमें पूछ सकते हैं। इसका IFSC कोड, बैंक नेम, ये डिटेल्स मैंने दे रखी है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन बैंक, तो आप वहां भी इसको डिपॉजिट कर सकते हैं, या PayU या फिर PayTM के थ्रू आप इस नंबर पर भी पे कर सकते हैं। इस नंबर पर पे करने के बाद जो भी स्क्रीनशॉट होता है रिसिप्ट का, या फिर अगर आप ऑफलाइन जमा करते हैं तो उस रिसिप्ट की फोटो एक भी खींच के, रसीद की, रिसिप्ट की, वो मुझे आपको भेजनी है, यानी कि रिसिप्ट की एक फोटोकॉपी भेजनी है, प्लस दूसरा जहां हम अपना ऑफलाइन ये जो स्टडी मटेरियल आपको जिस एड्रेस पर डिलीवर करा सकें उसके लिए मुझे आपके एड्रेस की जरूरत पड़ेगी जो आप भेजिएगा, तीसरा आपके ईमेल आईडी जिस पर कि हम वीडियोस की सारी असेस दे सकें उसकी हमें जरूरत होगी। तो हम तीन चीजें, रिसिप्ट अलोंग विद द एड्रेस एंड ईमेल आईडी, आप ये इसी नंबर पर, यानी 8899350692, इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका अमाउंट हमारे पास आता है, हम ऑनलाइन क्लासेस की असेस आपकी ईमेल आईडी पर तुरंत दे देंगे। इट विल बी डन इंस्टेंटली, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा। और जहां तक कि स्टडी मटेरियल की बात है, जो कि हार्ड कॉपी की, मैंने आपसे बात की हार्ड कॉपी ऑफ द स्टडी मटेरियल की, तो इसको आप तक पहुंचने में जो आप हमें एड्रेस देंगे, तो आपकी जो भी लोकेशन रहेगी इंडिया में, अप्रोक्सीमेटली 4-5 वर्किंग डेज लग सकते हैं, राइट? इतने डेज में ही आपके घर स्टडी मटेरियल पहुंच जाएगा। तो आप इस ऑफर को मत करिए, बिकॉज दिस इज वेरी चीप ऑफर, और इससे सस्ता आपको कोई नहीं दे सकता, और सस्ता और सबसे अच्छा, राइट? वी आर गिविंग द बेस्ट क्लासेस इन ओनली 9,999, राइट? डोंट थिंक ट्वाइस इन टेकिंग इट, बिकॉज वी आर गिविंग एवरीथिंग इन दैट, राइट? वी आर गिविंग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, द हार्ड कॉपी ऑफ द स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फ्री करंट अफेयर्स बैकअप, फ्री डाउट क्लास सेशंस और ऑन गूगल क्लासरूम। तो अगर आप 12th की तैयारी भी कर रहे हैं, तो थोड़ा भी टाइम डिवोट करते हैं, तो स्क्लेट 2018 को क्रैक कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम, एंड अपार्ट फ्रॉम इट, यू नो, क्लेट इज ऑनलाइन टेस्ट, ये टेस्ट ऑनलाइन है, तो इसलिए ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी आपको चाहिएंगे। तो देखिए, ये इंडिया की सबसे फेमस टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है,
test.ndca.in, आप अगर इस URL पे जाएंगे तो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो उन सारे टेस्ट को क्लेट के, जो लगभग 15 से 10 टू 15 टेस्ट हैं, उनको आप वहां पर दे सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड टेस्ट हैं इंडिविजुअल सेक्शंस के, लाइक अगर आप इंडिविजुअल सेक्शंस रीजनिंग के, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के देना चाहते हैं तो, और फुल लेंथ टेस्ट इसमें 10 प्लस में है, यानी कि 10 टू 15 इसमें फुल लेंथ टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि क्लेट एग्जाम होता है। फ्री डाउट सेशंस ऑन गूगल क्लासरूम भी हम इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। इसके अलावा फ्री करंट अफेयर्स बैकअप, एवरी मंथ हम आपको 2 से 3 पेजेस में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं वो भेजेंगे। अब तक कि अगर पिछले एग्जाम में देखें तो इन्हीं करंट अफेयर्स में से सारा कुछ फंसता है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो दिस इज अबाउट अवर क्लेट ऑनलाइन क्लासेस, वी आर ओनली प्रोवाइडिंग इन 9999, यानी केवल इसमें आप क्लेट की घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। कोई डाउट आए उसको आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं, आप अपने घर मटेरियल की ई कॉपी हम भेजेंगे। इसके अलावा आप इसको कैसे मंगा सकते हैं, लेट मी टेल यू द ऑप्शंस। बच्चों आपको इस अकाउंट में, दिस इज द अकाउंट नंबर 18380215510516, दिस इज माई अकाउंट नंबर, आपको इस अकाउंट में पैसा जमा करना है जिसका IFSC कोड और अदर डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दे रखी हैं। आप जैसे ही पैसा डिपॉजिट करें तो आपको 3 चीजें, नंबर 1 इसकी रिसिप्ट, आपकी ई रिसिप्ट भी हो सकती है, इसकी रिसिप्ट के साथ साथ आपको अपना एड्रेस भेजना है जहां पर हमको ये मटेरियल डिलीवर करवाना है, इसके साथ साथ आपको अपनी ईमेल आईडी भेजनी है जिस पर कि हमें आपके वीडियोस का एक्सेस देना है। और ये तीनों चीजें आप मुझे इस नंबर पर 8899350692 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आप जैसे ही पेमेंट करते हैं आपको ऑनलाइन क्लासेस का तुरंत इंस्टेंटली एक्सेस मिल जाएगा, और स्टडी मटेरियल को आपके घर तक पहुंचने में करीब 4 to 5 वर्किंग डेज लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन इन इंडिया। आप जहां पर भी हैं, हमारा सेंटर मथुरा उत्तर प्रदेश में है, हम यहां से लोकेट कर अपना डील करते हैं, तो आप मथुरा उत्तर प्रदेश से आपकी लोकेशन जितनी भी दूर है तो हम वाई स्पीड पोस्ट इस मटेरियल को आपको भेजेंगे, वो 4 to 5 वर्किंग डेज में पहुंच जाता है। इसके अलावा पेमेंट का और भी ऑप्शन है, आप इस नंबर पर पेटीएम भी इस अमाउंट को कर सकते हैं, और पेटीएम का स्क्रीनशॉट लेके एड्रेस अलोंग विद योर ईमेल आईडी आप मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पर, राइट, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर लूंगा। तो दिस इज अबाउट आवर ऑनलाइन क्लासेस एंड दे आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर क्लेट 2018, तो आप इनको मिस न करिएगा। अगर आपने क्लेट का फॉर्म भरा है तो इट इज मैंडेटरी और मस्ट टू टेक दीज ऑनलाइन क्लासेस, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। वीडियो में जो सेक्शंस हैं, जैसे कि लीगल एप्टीट्यूड है, तो लीगल एप्टीट्यूड थोड़ा सा अटपटा सेक्शन है उन बच्चों के लिए, बिकॉज अभी तक ट्वेल्थ में आपने इसका कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो मैं एक लीगल एप्टीट्यूड की ये एक बुक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसमें व्हाट इज लीगल एप्टीट्यूड, इसमें कैसे परफॉर्म करना चाहिए, तो ये फ्री ई बुक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी कि लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन को कैसे डील किया जाए। माई नेम इज एडवोकेट एन के गोस्वामी, आई एम ऑल्सो अ लॉयर एंड आई प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर क्लेट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। थैंक यू फॉर होल्डिंग योर पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स और मोर सच वीडियोज़।